ओके नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं अशोक कुमार, आई एम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। तो हम ये जो लेक्चर सीरीज में क्या करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा नए तरीके से पढ़ा रहे हैं तो ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करें, इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं ताकि पीपीटीज में जो जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था पहले जो पढ़ा रहे उस तरीके से, अब थोड़ा ऐसे तरीके से पढ़ें ताकि दो तीन लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वैसा इस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस, ये हमारा नहीं है, सबका चैनल है। ठीक है, तो इस पर हम बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी चला रहे हैं। ठीक है, और ये बायोलॉजी का सबसे बायोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेंगे इस पर। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड। तो ये नई सीरीज से लेक्चर क्लासेज फर्स्ट है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो फर्स्ट चैप्टर में जो यहाँ पे जो बेसिक्स क्या है कि बायोलॉजी, यहाँ पे देखो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी जो शब्द बना है ग्रीक वर्ड बना है, ग्रीक वर्ड जिसे जो जनरली जो टर्म्स लिए जाते हैं ग्रीक वर्ड से या लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं, बट बायोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पे बायोस किससे दो चीज़ें बना है, एक बना बायोस जिसका मतलब लाइफ, बायोलॉजी दो चीज़ें बना है, बायोस प्लस लॉजिया, यानी बायोस बायो प्लस लॉजी। तो बायोस बायो बना है बायोस से, लॉजिया से बना है लॉजी। ठीक है, तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, लॉजिया मीन्स होता है स्टडी, यानी उस चीज़ की स्टडी करना। जैसे आजकल जितने भी जो टर्म है जैसे डर्मेटोलॉजी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी, तो वहाँ पे से भी ये सब ग्रीक वर्ड से लिए गए। ठीक है, तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, तो लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ मीन्स जो लाइफ चल रही है उसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे जितने लिविंग है, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे वो लिविंग। तो बायोलॉजी में दो चीज़ें आती है, बॉटनी प्लस जूलॉजी। तो बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स, जितने प्लांट हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं सारे। ठीक है, और बैक्टीरिया भी एक प्लांट है। ठीक है, और जो जूलॉजी, जूलॉजी में जितने सारे एनिमल्स हैं सारे वो जूलॉजी में। ठीक है, तो लाइफ को अपने डेफिनेशन अगर, लाइफ मतलब क्या, लाइफ इज द लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ और क्वांटिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डेड और नॉन लिविंग इन द सेम फंक्शन। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, जो प्लांट और जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो लाइफ है वो लिविंग में होगी, नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर जो लिविंग में होते हैं या जिसमें अंदर लाइफ होती है उनमें होते हैं, तो कैरेक्टर है ग्रोथ, फर्स्ट के ग्रोथ, यानी लाइफ है जो लिविंग है उसमें ग्रोथ होगी, उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट उसको रेस्पॉन्स करेगा। मतलब किसी ने जैसे कुछ कर दिया रेस्पॉन्स, को केमिकल छिड़ दिया तो वो रेस्पॉन्स करता है, किसी ने कुछ एक्टिविटी दी है तो उसको उसके सामने रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, या रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये लाइफ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में कौन से कैरेक्टर होते हैं, जैसे ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं ढंग से। ग्रोथ मतलब क्या, ग्रोथ इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लिविंग, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब ग्रोथ है, लिविंग है तो ग्रोथ जरूरी है, इसके बिना लिविंग नहीं कह सकते उसको, ग्रोथ होगी, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं है। जैसे अगर पेन है जो उसका जो साइज है वो वही रहता है, बढ़ता नहीं है उसका वॉल्यूम, बट लिविंग में बढ़ता है। आज एक बच्चा है एक साल का, उसकी हाइट अलग होगी, दो साल की अलग होगी, तीन साल की अलग होगी, तो ये ग्रोथ बढ़ हो रही है उसकी। ठीक है, दे इंक्रीज इन द मास नंबर, मास बढ़ेगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, वेट बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा उसकी संख्या बढ़ती है, संख्या, ये नंबर वाला केस सिर्फ यहाँ काम करता है यूनिसेलुलर में, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से एक से दो, दो से चार, तो ये क्या यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ बैक्टीरिया केस में ग्रोथ इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मेटल ऑन दिस सरफेस। ठीक है, तो यहाँ जैसे कई जैसे क्या होता है कुछ वो जैसे जैसे कुछ वोल्केनो है, वोल्केनो यानी जो ये पहाड़ वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि
एक लेयर ऊपर से आती रहती है, लेयर आती रहती है, या रेत के टीले होते हैं जिसको हम ड्यून्स बोलते हैं, उसमें भी एक लेयर आती रहती है, तो वो भी एक वहाँ भी एक वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट वहाँ पे ग्रोथ कैसे हो रही है, सरफेस टू सरफेस, यानी लेयर लेयर बढ़ रही है, ठीक है। बट नॉन लिविंग में ऐसा होता है, लिविंग में क्या होता है, ऐसा ग्रोथ अंदर से होती है, ठीक है, बाहर से ऐसे नहीं आता कि कोई चीज़ आके चिपक गई और ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है वेट, ठीक है, वो नहीं है। तो ग्रोथ इज इन लिविंग बींग टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस, मतलब यहाँ पे लिविंग बींग में जो ग्रोथ होती है वो किस वजह से होती है, सेल डिवीजन से, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन से ग्रोथ होती है, क्योंकि जिस सेल है, जैसे जाइगोट उसमें एक सेल थी, अब फिर उसमें ब्लास्टुला गैस्ट्रुला वगैरह स्टेज है, तो उसमें सेल डिवीजन होता क्या, सेल की संख्या बढ़ती गई, तो यहाँ भी ये ग्रोथ है, ठीक है, जैसे मतलब सेल डिवीजन हो रही है, यानी जैसे एक बच्चा छोटा उसमें सेल्स कम है, बड़े वाले में ज़्यादा हो गए, ऐसे बढ़ती है सेल, ठीक है। प्लांट्स सो कंटिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ देयर लाइफ स्पान, एंड वायर एनिमल्स सो ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, ठीक है, सिंपल। अब एक प्लांट है, प्लांट एक छोटा सा लगा है, तो अभी जर्मिनेट हुआ, उसमें सेल्स कम है, ग्रोथ उसकी कम है, पर ग्रोथ उसकी चलती रहती है, जैसे अपने ब्रांचेज काट दी फिर भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, चाहे 100 साल 200 साल ऐसा, बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन या कुछ एनिमल और एनिमल्स वगैरह जितने उनमें नहीं होते, उसमें क्या होता है कि ह्यूमन जैसे 18-20 साल तक ग्रोथ होती है, उसके बाद में नहीं होती ना, उसके बाद में देखा कि 18 साल में हाइट 5.5, तो आगे आगे 25 साल में उसकी हाइट 6.75 हो गई या 7 हो गई, ऐसा नहीं होता ना, तो ह्यूमन केस में ऐसा नहीं, ह्यूमन यानी इन द सेंस एनिमल, एनिमल में ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद में नहीं होती, सर्टेन एज मतलब एक स्पेसिफिक एज तक होती है, जैसे किसी में ग्रोथ कुछ टाइम तो होते, किसी में कुछ टाइम तो होते, ऐसा, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में सिंपल जो रिप्रोड्यूस करना यानी संतति पैदा करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, मैंने आम भाषा में इसको बच्चे पैदा करना, ठीक है। ऑल लिविंग बींग प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जितने भी है लिविंग थिंग है वो अपनी संतति पैदा करते रहना है, और उससे ये सिस्टम चलता है, पुराने जो पेरेंट्स है वो मर जाते हैं, नए बच्चे वो आगे फिर संतति पैदा करते, ऐसे चलता रहता है लाइफ, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर कंटिन्यूस द लीनेज ऑफ स्पीसीज, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो स्पीसीज क्या लुप्त हो जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उस जनरेशन उस जैसे कोई स्पीसीज किसी चीज़ की, तो प्लांट की स्पीसीज, तो अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो स्पीसीज खत्म फिनिश हो जाएगी। अब रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, सेक्सुअल होता है, एक होता है ए सेक्सुअल, सेक्सुअल मीन्स जिसमें दो मेल फीमेल होंगे, ए सेक्सुअल में मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, ना रिप्रोडक्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट उसमें जो डायरेक्ट वो उसमें मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है, उसका ये सक्सेस, ए सक्सेस जैसे प्लांट के केस में बात करते हैं, हमने कोई पार्ट लिया प्लांट का, जैसे रोज की कटिंग है उसको लेके लगा दी, प्लांट नया बन गया, तो वो क्या है, वो ए सक्सेस रिप्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे कुछ बैक्टीरिया है उसमें क्या हो रहा है, या जैसे ईस्ट है, ईस्ट में थोड़ा बड पार्ट बनता है, वो जाके नया ईस्ट बना देता है, वो ए सक्सेस रिप्रोडक्शन है, ठीक है। प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में क्या होता है, प्लेन एरिया कुछ थोड़ा पार्ट अलग हुआ, वो जाके नया प्लेन एरिया बनाता है, वहाँ ए सक्सेस रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन केस में सेक्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फंजाई, जैसे फंजाई, फंजाई क्या करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि एक जैसे एक फ्लोटिंग बॉडी है, ठीक है, ये तो इस ये स्पोर बनते रहते हैं, ये स्पोर आगे जाके, जैसे स्पोर आगे बन गया तो इसे नया वो बन जाएगा, ठीक है, ये एक स्पोर है तो ये जाके नया बनाया, तो ये क्या ए सेक्सुअल, क्योंकि एक ही फ्लोटिंग बॉडी थी ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मतलब ये है, बट इसमें एक ही एक से सारे बन रहे हैं, तो ये क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईस्ट में और हाइड्रा में क्या होता है, ईस्ट जैसे ईस्ट में एक बड़ी एक पार्ट थोड़ा सा अलग बन गया, ये जाके आगे जाके नया ईस्ट बना देगा, हाइड्रा में भी हाइड्रा जैसे होती है हाइड्रा, तो ये है, तो इसका हाइड्रा का एक पार्ट अलग होगा, हाइड्रा में बडिंग होती है, मुकुलन बोलते हैं उसके हिंदी में, तो ये अलग हो गया, ये जाके नया हाइड्रा बना देगा, ठीक है। फिर यूनिसेल जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेल एल्गी है, यूनिसेल एल्गी में जैसे स्पाइर वगैरह है, या जैसे मतलब यूनिसेल में काफ़ी सारे छोटे मोटे अलग आते हैं जैसे, है ना, तो क्लोरेला है, तो ये सब यूनिसेल एल्गी। फिर अमीबा, अमीबा एनिमल में आ जाता है, एल्गी प्लांट है, ठीक है, बैक्टीरिया प्लांट है। प्लांट और एनिमल का यहाँ मतलब एक ही है कि जो फोटोसिंथेसिस करता है वो प्लांट है, जो नहीं करता वो अमीबा है। बट इन केस यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ बैक्टीरिया एक प्लांट है, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वाले, बैक्टीरिया दो तरह का, ये काफ़ी तरह के होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, नॉन करते हैं, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, तो बैक्टीरिया मतलब प्लांट है, क्योंकि इसमें सेल वाले होते हैं, एनिमल में सेल वाले होते हैं, अमीबा में सेल वाल नहीं है, तो अमीबा क्या है, एनिमल, ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, प्लांट, यूनिसेल एल्गी, एल्गी तो सीधा एक क्लोरोफिल तो डायरेक्टली प्लांट बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर बढ़ना, संख्या बढ़ना, अमीबा में जैसे बहुत का साइज वही रहता है जनरली, बट एक से दो बना यहाँ पे ग्रोथ है, यूनिसेल एल्गी यानी क्लोरेला की बात कर ली या स्पाइर वगैरह की बात कर ली, तो यहाँ पे कि एक से दो बना, तो ये क्या है,
ग्रोथ, बैक्टीरिया है बैक्टीरिया, जैसे ईकोला ये बैक्टीरिया, तो ईकोला में एक से दो, दो से चार, तो ये ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। अब समझ गए, यहाँ पे ग्रोथ का मतलब ये है संख्या बढ़ना, यूनिसेलुलर में केस में, मल्टी सेलुलर के केस में वॉल्यूम बढ़ना, साइज बढ़ना, वो ग्रोथ होते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एनर्जी बनाना, सिंपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, केमिकल जो होते हैं वेरियस साइज के केमिकल होते हैं, वो उसका फंक्शन होता है। अब यहाँ पे जो मेन क्या होता है, इसमें दो तरह होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, सिंपल कैटाबॉलिज्म तोड़ना। अब यहाँ पे जैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 ओ वाटर मिला के अपने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो ये क्या एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म यानी दो छोटे मॉलिक्यूल थे उनसे क्या अपना एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एनाबॉलिज्म हुआ, एनाबॉलिज्म ग्रोथ के लिए वगैरह की सब चीज़। कैटाबॉलिज्म क्या चाहिए, उसके रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, एनर्जी के लिए कैटाबॉलिज्म हुआ। जैसे हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आगे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल चला, तो उससे एनर्जी बनी, तो ग्लूकोज टूटा ना, क्या बना, वाटर बना, CO2 बना, ये सब बना, तो ये क्या है, यह है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ओके अब जो नॉन लिविंग थिंग उसमें ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। और रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल जैसे अब एक पेन पड़ा, पेन को अपने टच करें तो पेन थोड़े दूर भागेगा, नहीं भागेगा ना, तो ये क्या है, स्टिमुलाई उसको रेस्पॉन्स नहीं देगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे गर्मी फील हो रही है, और यार गर्मी लग रही है, तो ये क्या है, अपने लिविंग इसलिए गर्मी लग रही है, अपने दूर ठंडी जगह में जा रहे हैं। बट अगर कोई नॉन लिविंग है तो वो वहीं पड़ा रहेगा, उसको गर्मी सर्दी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कांट सेंस। ओके रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कुड बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। जैसे बायोलॉजिकल, जैसे किसी डॉग ने अपना अपने को बाइट करने की कोशिश की तो अपने दो भागे, तो बायोलॉजिकल स्टिमुलाई होगा। केमिकल में कोई केमिकल आके अपने, जैसे कोई केमिकल अपने को पास आ रहा है जो भी हो, तो अपने दूर भाग रहे हैं। फिजिकल जैसे किसी ने टच किया तो भी अपने दूर भाग रहे, तो ये इसमें ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई में तीनों चीज़ें आती है, ठीक है। प्लांट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट्स वगैरह, तो जैसे पोल्यूशन ज़्यादा तो अपने उस दूर भागते हैं। प्लांट भी ना, प्लांट उसको रेस्पॉन्स होता है, कुछ जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो सल्फर से मतलब होते हैं ना, सल्फर से रेजिस्टेंट होते हैं, या जो मतलब स्टिमुलाई सल्फर स्टिमुलाई तो उसको फील होता है ऐसा, जिसको इंडिकेटर प्लांट बोलते हैं, ऐसे प्लांट होता है, या आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल क्यूज, ठीक है। फोटोपीरियड अफेक्ट, फोटोपीरियड से भी उसका रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, जैसे बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये रहता है, जिसमें फोटोपीरियड का इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो प्लांट में क्या होता है कि उसके फ्लावरिंग पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे सभी जैसे टमाटर, टमाटर क्या है, डे न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल हमें शॉर्ट डे में लगाओ, लॉन्ग डे में लगाओ को मतलब नहीं है, मतलब वो ग्रो होगा और फ्लावरिंग होगी। बट कुछ प्लांट है वीट, वीट शॉर्ट डे में आती है, ठीक है, वीट शॉर्ट डे में, सॉरी लॉन्ग डे में आती है, तो लॉन्ग डे वीट, तो वीट के लिए लॉन्ग डे चाहिए, लॉन्ग डे नहीं मिला तो वीट में फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसलिए तो वीट को जैसे रबी में उगाते, रबी में उगा सकते, रबी में नहीं उगा सकते ऐसा। तो ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटर देयर बॉडी एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। वो ह्यूमन बींग द ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि इसमें खुद का वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, इसलिए तो ह्यूमन सबसे डेवलप बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वो डाइवर्सिटी है। द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है उसके काफ़ी सारे रूप है, रूप यानी उसकी काफ़ी स्पीसीज है, या उसके काफ़ी सारे वो है वेराइटीज है, तो ये डाइवर्सिटी है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में भिन्नता, ठीक है, जैसे हिंदी बोले भिन्नता, तो ये काफ़ी जैसे जैसे मतलब बायोडाइवर्सिटी, तो एक जंगल में काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी मिलेंगी, क्योंकि एक अगर हिरण है तो हिरण के काफ़ी सारे टाइप्स मिलेंगे अपने को, तो ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अब आता है टॉपिक नॉमिनी कल्चर, नॉमिनी कल्चर मतलब नामकरण, नामकरण करना, यानी कोई जीव है तो उसमें जैसे कोई जैसे किसी को क्या बोलते, जैसे एक कोई जीव है तो अब उसको इंडिया में कुछ बोलते हैं, जापान में कुछ बोलते हैं, चाइना में कुछ बोलते हैं, उसके नाम अलग अलग है, तो अपने पता नहीं लगा था भाई ये चीज़ वही है दूसरी है, इसलिए उन्होंने सोचा इंटरनेशनल लेवल पे कि क्या किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए ताकि मतलब एक ही जो जीव है उसकी सब जगह सेम ही ना हो, ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉमिनिकल्चर, नामकरण, ठीक है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है, काफ़ी सारे एनिमल है
प्लांट है। प्लांट्स एनिमल आर नोन इन द लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम। ठीक है, कुछ भी चीज़ें जैसे सिंपल अपने बात कर लेते हैं किसी की, जैसे वीट है तो वीट को इंग्लिश में वीट बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं गेहूँ, पंजाब में उसको क्या बोलते हैं, कणक बोलते हैं। तो चीज़ तो एक ही है ना, पर नाम अलग अलग है। तो अब इन्होंने क्या नाम दिया, एक ही नाम दिया, ट्रिटिकम एस्टिकम। अब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओगे, बॉटनी में या बायोलॉजिकल नेम बोलोगे, तो इसका एक ही नाम होगा क्या, ट्रिटिकम एस्टिकम, मतलब वो वीट है। ठीक है, नाम अलग नहीं है अपने, डिफ्रेंशिएट मतलब डिफरेंसेस आएंगे उसमें, पर पता लगे नाम एक है इसका मतलब वही चीज़ है। नहीं तो बोलेंगे यार भाई कणक मतलब क्या, अभी तो अच्छा वीट, अच्छा वो है क्या, गेहूँ है उसको बोलते हैं। ओके ठीक है, तैसे दीज लोकल नेम्स आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, रीजन टू रीजन विद इन ए कंट्री ऑल्सो। ठीक है, राजस्थान में अलग बोलते हैं, पता ना पंजाब में कणक बोलते हैं, राजस्थान में गेहूँ बोलते हैं, उसको गंगानगर में उसको वो क्या बोलते हैं, कणक बोलते हैं, क्योंकि एरिया का पंजाब टच में, इसलिए हरियाणा में उसको कणक बोलते हैं वैसा। तो मतलब उस जगह पे भी एक जगह दूसरी जगह अलग नाम हो गया, या अलग स्टेट टू स्टेट अलग नाम हो गया, एरिया टू अलग एरिया अलग नाम हो गया ऐसा, इसलिए। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एनी अदर टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑल द लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी में अलग, पंजाबी में अलग, उसका अलग नाम, ठीक है, इंग्लिश में अलग, तो वह डिफिकल्ट है कि एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है, मतलब क्या। तो या तो सारी लैंग्वेज सीखो, फिर पता लगेगा अच्छा ये तो गुलाब को भी बोलते हैं इसका मतलब ऐसा। हेंस देयर नीड फॉर ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ नॉमिनी कल्चर फॉर्मेशन। ठीक है, सही है, इसलिए एक मतलब एक नॉमिनी कल्चर रख दिया, अभी पूरे वर्ल्ड में सबका एक ही नाम रखा, उस एक चीज़ का एक नाम होना चाहिए सब जगह। जैसे वीट का नाम ट्रिटिकम एस्टिकम है, तो ट्रिटिकम एस्टिकम पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए सब जगह, चाहे जापान में जाओ तो ट्रिटिकम एस्टिकम मतलब ये, ठीक है, चाइना में जाओ तो यही, इंडिया में अमेरिका में जाओ तो यही, यूएसए में जाओ अमेरिका सॉरी यूएसए रशिया में जाओ तो यही, सेम नाम होना चाहिए एक ही चीज़ का। ठीक है, समझ में। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन, इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है मेन चीज़, कि उसको आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफाई इज द प्रोसेस ऑफ द असाइनिंग ए प्री एग्जिस्टिंग टैक्सोन नेम टू ए नाउन। मतलब कोई जैसे ट्रिटिकम है, तो अब ट्रिटिकम एक स्पीसी जीनस हो गया, तो जीनस में काफ़ी और नाम है, तो उसको सेट करना होता है कि ये इससे मैच हो रहा है तो ये इसमें आ गया। मतलब पहले आइडेंटिफाई करना है प्लांट में कौन कौन से करेक्टर है, तो कौन से वाले ये वाले करेक्टर है, तो मतलब जैसे ग्रेमनी फैमिली ग्रासेस फैमिली, तो ग्रासेस है तो ग्रेमनी में रख दिया, पल्सेस है दाल है तो लिगुमिनस में रख दिया ऐसे। अब इसमें दो सिस्टम है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमिनिकल और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल। इसमें ये बॉटनी वाले क्या करते हैं, बॉटनी वालों का नाम देते हैं, और ये जूलॉजिकल यानी जूलॉजी से रिलेटेड जो है ना एनिमल, एनिमल के नाम देते हैं, वो प्लांट के नाम देते हैं बॉटनी को। ठीक है, इसमें जो पहली जो सिस्टम आता है उसका नाम था बायोनोमियल नॉमिनिकल। बायोनोमियल में दो, इसमें जो नाम होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, दो उसके यानी दो सेंटेंस मिलकर बनाए, जैसे लाइक थे सेंटेंस नहीं सीधा बोल सकते, जैसे दो वर्ड से मिलकर बनाना। तो इसमें जैसे सिंपल एक पहला जो होगा जेनरिक, मतलब जिसको बोलेंगे जीनस या जेनरिक, और नेम और दूसरा स्पीसी नेम। तो कैरोलस लिनियस था, उन्होंने ये सिस्टम इन्वेंट किया था। ठीक है, ये बी कैरोलस लिनियस, ओके याद रखना, बायोनोमिल नॉमिनिकल से कैरोलस लिनियस। रूल्स फॉर नॉमिनिकल्स, रूल्स क्या थे उसमें, क्या कि जो नाम होगा वो लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, लैटिन वर्ड एंड इन इटैलिक्स फॉन्ट, लैटिन वर्ड होगा वो उसका फॉन्ट होगा इटैलिक होगा, इटैलिक मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़े अक्षर में लिखते हैं ना, ऐसे जैसे अभी ये बताएं ये इटैलिक्स है और जैसे टाइवा, तो थोड़ा सा जैसे ये एस यू ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और जैसे टाइवा ये मैंजी फ्रेंडी का, तो ये जो है लैटिन वर्ड, ये लैटिन में मैंजी फिरा, बट जो फॉन्ट है वो इटैलिक है। फॉन्ट मतलब यूँ थोड़ा सा, जैसे मैंगो है तो ये मैंगो एम एकदम सीधे से लिखा, यही मैंजीफेरा में एम थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो ये मतलब इसको बोलते हैं इटैलिक्स। ठीक है, साइंटिफिक नेम यूजुअली कंटेंस टू पार्ट्स, फर्स्ट जीनस सेकंड स्पीसी। ठीक है, जीनस नेम जो हुआ वो फर्स्ट नंबर, उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा जीनस का, जैसे ये एम मैंजीफेरा में एम क्या है कैपिटल। ठीक है, पर जो स्पीसीज का जो फर्स्ट अक्षर वो कैपिटल होगा, सिंपल ध्यान रखना, मतलब जीनस के जो फर्स्ट अक्षर को छोड़ के बाकी सारे स्मॉल में आएंगे। ठीक है, इटैलिक्स सारा हुआ। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में अब जो इसने कहा कि बायो नेम इज और पेंटर ने इटैलिक्स, ठीक है, टू इंडिकेट देयर लैटिन वर्ड अंडरलाइन व्हेन इट इज हैंड राइटेड, हैंड आज से लिखोगे तो अंडरलाइन करो, नहीं तो वैसे इटैलिक्स लिखो। ठीक है, जैसे ये मैंजी फ्रेंडी का मतलब मैंगो, होमो सेपियंस ह्यूमन, और जैसे टाइगर आइस ट्रिटिकम एस्टिकम वीट। ओके, क्लासिफिकेशन, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक, इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्व
ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, ओके, एक क्लासीफाई कर कि जैसे ये मतलब जिसमें प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, दालें हैं तो ये सारी लेगुमिनेशियम रख दी, फिर ग्रासेस है तो उसको सीधा ग्रेमिनियम रख दिया, ऐसे मतलब क्लासीफाई कर दिया। टैक्सन एक ग्रुप बना दी कि किसके बारे में क्या क्या है। साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट यूज इन द साइंस ऑफ बायोलॉजी क्लासिफाइड कॉल्ड टैक्सन, मतलब साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब कि उसको एक यूज यूनिट बनाई है कि साइंस ऑफ द बायोलॉजी कॉल्ड टैक्सन। टैक्सन मतलब एक मतलब यूनिट है साइंस की, ठीक है, साइंटिफिक यूनिट जिसमें हम किसी को क्लासीफाई करते हैं उसको, ठीक है। टैक्सोनॉमी इसकी स्टडी को बोलते हैं टैक्सोन, टैक्सोन की स्टडी टैक्सोनॉमी। टैक्सोन इज द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन बेस ऑफ द शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गिविंग नेम टू दोज ग्रुप्स, ठीक है। कैरोलस लीनी इज द रिगार्डेड इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर है टैक्सोनॉमी क्योंकि इसी ने जो टैक्सोनॉमी की डिस्कवरी की थी, इन्वेंट किया था। प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या आता है, प्रोसेस में जिसको ये क्वेश्चन बनेंगे सारे, इसमें कैरेक्टराइजेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, नॉमिनल निकलते होगा, ये चार चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसमें एक आता है सिस्टमेटिक्स, तो सिस्टमेटिक्स इज द डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से बना है, इसका मतलब है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट करो, ठीक है, कि ये कहाँ रखना है, कौन से ग्रुप में रखें, बस इसके किससे कैरेक्टर मैच हो रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी, ये आइडेंटिफिकेशन स्टडी है एक तरह की, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग फॉर्म्स, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, पहले क्या था अब क्या चल रहा है, उसमें क्या बदलाव हुआ, रिलेशनशिप अमंग द लिविंग थिंग थ्रू द टाइम, ठीक है। लीनियस व्यूज सिस्टम ऑफ नेचर इज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, सिस्टम ऑफ नेचुरी टाइटल बनाया था उसने, साइनस ने अपने हमारे कैरोलस लीनियस ने, सिस्टम, ओके। इसमें कैटेगरी में क्या है, क्लासिफिकेशन वॉल हिरेकी ऑफ द स्टेप्स वेयर ई स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी वेरी स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, सारे कुछ के। इसमें स्पीसीज का मतलब है, स्पीसीज क्या होता है, इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इन विच द इंडिविजुअल कैन इंटरप्रेट अमंग देम, सिंपल स्पीसीज वो है कि वो आपस में इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी ठीक है वो क्या कर सकते हैं, लैंगिक जनन कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे स्पीसीज, ठीक है, अगर नहीं है तो स्पीसीज नहीं है, ठीक है। जैसे अगर एक लोइन है तो लोइन लोइन से इंटरसेक्स किया तो ये क्या है, लोइन एक स्पीसीज, अब लोइन और टाइगर नहीं करते तो ये क्या स्पीसीज नहीं, ये अलग है जीनस में अलग, ठीक है। तो मेंजिफेरा इंडिका का मैंगो है, सोलन ट्यूबरसम, अब आलू जैसे ट्यूबरसम है आलू, तो आलू आलू के बीच में होगा इंटरसेक्स, बट सोलेनम मेलंजना बैंगन है तो आलू और बैंगन का नहीं होता, ठीक है। जैसे पैंथरा लियो है लोइन, तो लोइन का लोइन से हो गया, बट पैंथरा तो क्या जीनस है, जीनस में इस में काफ़ी सारे आएंगे जी, बट लियो है जो स्पीसी, स्पीसी में लोइन ही आएगा, ठीक है। जीनस मतलब ये थोड़ा सा उससे बड़ा, स्पीसी बड़ा होता है जिसमें काफ़ी सारे आते हैं, जैसे पैंथरा है तो पैंथरा में काफ़ी सारे आ गए, जैसे लोइन है तो लोइन में पैंथरा है, पैंथरा में काफ़ी सारे आ गए, लिपार्ड है, लिपार्ड का पैंथरा पार्डस है, ठीक है। टाइगर का नाम पैंथरा टाइगर्स, अब जीनस क्या पैंथरा, ठीक है। अब पैंथरा में क्या क्या है, लोइन भी आ रहा है, लिपार्ड भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है, बट यहाँ पे इंटरसेक्स नहीं हो रहा, लोइन का लोइन से होगा, लिपार्ड का लिपार्ड से होगा, तेंदुआ लिपार्ड मतलब टाइगर का टाइगर, ये पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल आर द थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, क्योंकि सोलेनम में ये सारे आते हैं, सोलेनम क्या है जीनस, ठीक है। पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल ये इनके अलग अलग, पोटैटो मतलब सोलेनम ट्यूबरोसम, टोमेटो लाइकोपर्सिकम ब्रिंजल होता है, मेलंजना, तो ये सब क्या है, इनके स्पीसीज है, ठीक है। जीनस जीनस एक जीनस थोड़ा बड़ा होता है उससे काफ़ी, उसकी अंडर में काफ़ी सारी स्पीसी आती है, ठीक है, उसको जीनस बोलते हैं। फैमिली, फैमिली मतलब जीनस से बड़ा फैमिली, तो एक फैमिली के अंदर काफ़ी सारे जीनस आते हैं, ठीक है, और जीनस के अंदर काफ़ी सारी फैमिली है, वो आगे स्पीसीज है, ठीक है। तो इज अ ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड जेनर इज कॉल्ड फैमिली, फैमिली आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, जैसे सोलेनम है या पेटूनिया है, धतूरा है, आदर प्लेस इन द फैमिली, इसकी फैमिली कौन सी सोलेनम से। अब फैमिली है, फैमिली के पीछे ध्यान रखना, इसके पीछे ए सी ही लगता है बस, ठीक है, ठीक है, सी ई ए बस। द एनिमल जीनस पैंथरा जीनस फेलिस बिलोंग टू द फैमिली फेलिडी, इसकी फैमिली कौन सी फेलिडी, ठीक है। तो जो प्लांट वाली फैमिली जैसे सोलेनेसी है, ग्रेमनी है, फलानी है, डिकनी है, जो भी है, मालवेसी है, तो उसके पीछे सब में ए सी होता है, ठीक है। तो फैमिली का
ऑर्डर, अब फैमिली से बड़ा होता ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर के अंडर में काफ़ी सारी फैमिली होती है, ठीक है। तो ए ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर एंड ऑर्डर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर द आइडेंटिफाइड बेसिस ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैटेगरी, यानी सिंपल समझे देखो, प्लांट फैमिली लाइक जैसे कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर द इंक्लूड द ऑर्डर। इसमें ऑर्डर कौन सा है, पॉलीमॉर्फी सॉरी पॉलीमोनियल्स, ये ऑर्डर है। अब फैमिली इस ऑर्डर के अंदर काफ़ी सारी ये फैमिली आ रही, कौन सी आ रही है, ये दो फैमिली आ रही है, कन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी, ठीक है। ऑर्डर अब तो यानी फैमिली से बड़ा, यानी ऑर्डर एक ऑर्डर के अंदर में काफ़ी सारी फैमिली, ठीक है। जैसे एनिमलियम है, जैसे एनिमल्स है तो वहाँ फेलिटी और कॉन्सिटी बिलोंग टू ऑर्डर। इसका ऑर्डर कौन सा, कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब जो शिकार करते हैं उसको कार्निवोरा बोलते हैं, ठीक है, शिकार करके खाते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें जो ये दो अभी जो अपने बात की फैमिली फेलिडी और कॉनिडी कॉन्सिटी, ये ऑर्डर आते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, क्लास इससे बड़ा है ऑर्डर से। क्लास इज द मेजर कैरेक्टर मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर दैट द पसेस द सर्टेन सिमिलर कैरेक्टर दैट। इसमें जैसे ममेलिया है, ममेलिया तो ममेलिया एक क्लास, इट हैज नंबर ऑफ ऑर्डर। इसमें लाइक इसमें काफ़ी सारे गए, ममेलिया बहुत बड़ा, ममेलिया जिस मेमल्स, मेमल्स यानी जिसमें स्तन होता है उसको मेमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कार्निवोरा इसमें आ गया जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। रोडेंटिया जिस चूहे वाले सारे, प्राइमेट जैसे प्राइमेट अपने प्राइमेट ह्यूमन प्राइमेट्स में आता है, ठीक है, जैसे बंदर वगैरह सारे, बंदर है जैसे बंदर है, उस कपी है, कपी होता ना जैसे, तो वो सब इंसेक्टो वगैरह जो इंसेक्ट खाने वाले ऐसे जीव होते हैं, एनिमल होते हैं वो। तो ये सारे किस्में, इसमें सिंपल एक मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, क्लास है ये, ठीक है, उसको बोलते हैं मेमोरिया। इसमें एक्सटर्नल ईयर एंड हेयर होते हैं, जैसे कान भी होंगे वो बाहर की तरफ और इसके बाल भी होंगे, ठीक है। और अब इससे बड़ा था फाइलम, फाइलम सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे प्लांट किंगडम फाइलम है, इसमें काफ़ी जैसे या फिर जैसे एनिमल है, जैसे पीसेस एम्फीबिया है, फाइलम रेप्टिलिया, फाइलम एवीज, एवीज मतलब रेप्टिलिया मतलब जितने सांप वगैरह सारे, एम्फीबिया जैसे मेंढक वगैरह सारे, पीसेस मतलब जितने मछलियाँ वगैरह सारी इसमें आ गई, मेमलिया, मेमल्स अभी बताया, मेमलिया ये एक फाइलम, इसमें सौर मेमल इसमें बिलोंग, इसमें कोडेटा फाइलम है, ये सारे कोडेटा फाइलम आ जाते हैं, कोडेटा मतलब जिसमें रीढ़ कटी होती है, तो उसमें सारे ये सारे आ गए, ठीक है, मेमलिया। तो ये एक फाइलम क्या, कोडेटा, कोडेटा के अंदर ये सारे क्या आ गए, ये सब ऑर्डर आ गए, ठीक है। ऑर्डर क्या, सॉरी ये क्या था पीछे, हाँ क्लास, ठीक है। तो क्लास फाइलम के अंदर काफ़ी सारी क्लास आती है, ठीक है, क्लास के अंदर ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर से नीचे क्या आता है, फैमिली आती है, फैमिली से नीचे क्या आता है, जीनस होता है, जीनस से नीचे क्या आता है, स्पीसीज होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा होता है किंगडम, किंगडम प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम बस। अब किंगडम द प्लांट, अब दो ही चीज़, प्लांटी किंगडम एनिमलिया, ठीक है, दो तरह किंगडम थे, प्लांट फ्रॉम द वेरियस डिविजन, सारे इसमें प्लांट आ गए, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक एंड लेक द सेल वॉल अंडर द एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं जो, ठीक है, सेल वॉल होती है वो, और उसके बाद में एनिमल जिसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, उसको हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम मतलब किंगडम, दो ही किंगडम, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब स्टडी ऑफ जूलॉजी, जिसमें जूलॉजी होता है, स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम कॉलेज जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम कॉलेज बॉटनी, ठीक है बस। अभी यहाँ देखो सबसे बड़ा क्या किंगडम, किंगडम से बड़ा छोटा क्या, फाइलम, फाइलम फाइलम छोटा क्या, डिवीजन, डिवीजन छोटा क्या, क्लास, क्लास छोटा क्या, ऑर्डर, ऑर्डर छोटा क्या, फैमिली, फैमिली छोटा क्या, जीनस, जीनस छोटा क्या, स्पीसीज, ठीक है। सबसे छोटा स्पीसीज, सबसे बड़ा फाइलम, सॉरी किंगडम, ठीक है। तो हो गया यार, किंगडम फाइलम देन डिवीजन देन क्लास देन ऑर्डर देन फैमिली जीनस स्पीसीज, ठीक है, ओके। अब यहाँ देख रहे जैसे मैन है, तो मैन का बालिक नाम के होमो सेपियंस, जीनस कौन सा होमो, फैमिली कौन सी होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेट, ठीक है, क्लास है कोडेटा, ठीक है, और इसमें फाइलम और डिवीजन है मेमेलिया, ठीक है। और ये जैसे हाउस फ्लाई या मक्खी होती है ना उसमें, उसका जैसे नाम है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का मस्सीडी, मस्सीडी है, ठीक है। इसमें ऑर्डर डिप्टेरा, डिप्टेरा मतलब जिससे दो पंखे, दो पंख होते हैं, ठीक है। और क्लास इंसेक्ट, इंसेक्ट में क्योंकि इंसेक्ट है, इंसेक्ट वो होता है जिसके, जिसका शरीर तीन भागों में डिवाइड होता है, हेड थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है,
तो ये इसका फाइलम कौन सा? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जिसकी जो जॉइंट होता है ना, पैर होते हैं जैसे पैर, उसमें जॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपोडा। ठीक है, आर्थो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स पैर। ठीक है, याद रखना। तो मैंगो है, तो मैंगो 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 मैंजी फ्रेंडी को गया, इसका नाम जीनस मैंजी फेरा, एनाकार्डिसी फैमिली, और सेपिंडल, सेपिंडल कौन सी है? ओके, सेपिंडलीज इसकी जो ऑर्डर हो गया, क्लास है इसकी डिकोटिलेडोनी हो गया, और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, पीट का टिटिकम एस्टियम टिटिकम, पोएसी है पोल्स, मोनोकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन क्लास है इसकी, मोनोकोट में आ जाए सारे। मोनोकोट मतलब जिसके जिस अगर सीट तोड़े तो दो भागों में डिवाइड, इसको मोनोकोट बोलते हैं। ठीक है, पीट का आप तोड़ के दो भागों में डिवाइड होता है, बराबर नहीं ना, बट डालों में होता है। अब चने को थोड़ी दो भागों में डिवाइड होगा, मटर का थोड़ी हो जाएगा ऐसे। अभी एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म जो ये प्लांट में बैठे हैं, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जिसका सीड होता है, सीड पे ऊपर कवर होता है, एंजियोस्पर्म होता है यानी फ्रूट होता है जिसमें, और जिम्नोस्पर्म फ्रूट नहीं होता। ठीक है, ओके। टेक्सोनॉमी स्टडी है, ठीक है, द स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन स्पीसमैन विच कैन हेल्प द आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन, उसको टेक्सोनॉमी गेट्स बोल दिया। स्टडी ऑफ द वेरियस इंसेक्ट वेरियस स्पीसी प्लांट एनिमल, सारी टेक्सोनॉमी स्टडी होती है। स्टडी ऑफ द यूजफुल टू नो अबाउट आवर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी, इट कैंट बी द हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये टेक्सोनॉमिक में स्टडी होती है सारी। फिर हर्बेरियम है, हर्बेरियम मतलब इज द स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट। ठीक है, किसी चीज़ जो प्लांट सारे उसको इकट्ठे करके वहाँ लगाते हैं उसको हर्बेरियम बोलते हैं। ठीक है, इसमें हर्बेरियम सीट होती है, उसका जो जो किसने कलेक्ट किया उसका नाम है, लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, वो सब फैमिली कौन सी है वो सब लिखना होता है इसमें। बॉटनिकल गार्डन है जिसमें काफ़ी सारे वो जो प्लांट होते हैं, बॉटनिकल गार्डन इज द प्लेस वेयर द प्लांट कैन ग्रो एंड दिस प्लेस ऑफ द पर्पज ऑफ द रिसर्च एजुकेशन, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, वहाँ पर प्लांट उगाए जाते हैं। ठीक है, और इसके इसमें जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ है, गार्डन ऑफ द मेडिसिन प्लांट नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, लाइक दैट। ठीक है, म्यूजियम में जहाँ म्यूजियम में जब रखते हैं संभाल के, वहाँ पे ग्रो नहीं होते, वहाँ पे ला ला के इकट्ठे किया जाता है कि दिखाने के लिए, ताकि ये ऐसा है ऐसे प्लांट थे, ये था वो था, लाइक दैट। इसमें प्रेजर प्लांट होता है, जो प्लांट को प्रेजर करके रखा जाता है म्यूजियम में, या एनिमल को प्रेजर करके रखा जाता है। ठीक है, ताकि दिखाने के लिए, ठीक है, कांच के ना बक्सों में प्रेजर करके रखा जाता है कि ये वाला प्लांट ऐसा था, ये फूल ऐसा था, लाइक दैट। इसमें इंसेक्ट को मार के भी लगा सकते हैं, इंसेक्ट को दिखाने के लिए, ताकि उसको पहचान में कि ये वाला इंसेक्ट ऐसा होता है वो ऐसा, लाइक दैट। ठीक है, उसके अंदर जूलॉजिकल पार्क्स है, उसमें भी जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजी वाले जितने एनिमल्स हैं, यानी एनिमल्स जितने उन सब का वो रखा जाता है। ठीक है, जैसे जूलॉजिकल पार्क मैसूर है, और नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद है, त्रिवेंद्रम जू है, चेन्नई जू है, लाइक दैट। बट इट कैन इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिट ऑफ एनिमल। हाँ, इससे ये पता लगता है कि जैसे कार्निवर्स में ये है, ये थे, तो ये क्या करते हैं कि इसका काम क्या है, मतलब किलिंग करना, किलिंग करके। ठीक है, एट्रोवर्स है। ठीक है, फिर की इसमें की के टेक्सन बेड क्या है, इसमें जो सिंपली की आधा एनालिटिकल इन द नेचर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पेयर कोल्ड कपल्ड। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ईच स्टेटमेंट इज की इज कॉल्ड लीड। ठीक है, इसमें जो मेन जो है फैमिली जीनस ऑर्डर ये सब सेपरेट टेक्सन में की रखी जाती है, जैसे कि इसकी फैमिली कौन सी, जीनस कौन सा, ऑर्डर कौन सा, लाइक दैट। ठीक है, और फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब प्लांट फौना में से एनिमल होता है, मेन्यूज मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर द अदर टेक्सोनॉमिकल ऐड, ये भी चीज़ें उसमें ऐड होती है, दे हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पता लगाने भी करेक्ट की भी ये ऑर्डर इसी ऑर्डर में आएगा कि नहीं आएगा सा। ठीक है, मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन द एनी पर्टिकुलर टेक्सोन।